लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट मिलाकर अब तक 267 उम्मीदवारों का टिकट फाइनल हो चुका है। अभी गुरुवार को बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है वो एक और तो दिग्गजों के नामों से भरी हुई है, तो वहीं इस लिस्ट में कई बड़े ट्विस्ट भी हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने जहां कई दिग्गज सांसदों का पत्ता काटा, तो वहीं कई सांसदों पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। जैसे कि पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी ने अब तक सांसद रहे दो पूर्व सीएम को दरकिनार किया। एक तो उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटा। इसके साथ मुंबई उत्तर से सांसद गोपाल शेट्टी का भी टिकट काटा। लेकिन दो पूर्व सीएम का पत्ता काटने के बाद भी बीजेपी ने तीन पूर्व सीएम को लोकसभा चुनाव में उतार भी दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी से टिकट दिया। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूंगा। ये मैं अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं। कुल मिलाकर बीजेपी इस चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक एक सीट पर मंथन और सर्वे के बाद उम्मीदवार तय कर रही है। ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति आगामी चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी।